अल्ट्रा लेफ्ट विचारधारा का एक ऐसा व्यक्ति जो पहले अभिनेता बना और फिर अभिनेता से अब नेता बन चुका है। नेता बनने के लिए उसने एक ऐसी पार्टी को चुना जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, और यही वजह भी है कि वो व्यक्ति इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती की। हम इस वीडियो में आपको मिथुन चक्रवर्ती के एक नक्सली से एक्टर और फिर बीजेपी नेता बनने की पूरी कहानी बताएंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा व्यक्ति जिसने फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेता की पहचान बनाई, खुद को अपने दौर का एक बेहतरीन डांसर के तौर पर एस्टैब्लिश किया और अब राजनीति को अपना नया पड़ाव बना लिया। एक लोअर मिडिल क्लास बंगाली परिवार में 16 जुलाई 1950 को मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ। वैसे तो माता पिता ने उनका नाम गौरंगा रखा था, लेकिन बाद में उन्हें मिथुन के नाम से खास पहचान मिली। 1960 के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अपने जवानी के दिनों में मिथुन लेफ्ट विचारधारा से जुड़े थे। यही वजह थी कि हजारों युवाओं के साथ साथ मिथुन भी नक्सली आंदोलन के साथ जुड़ गए। लेकिन परिवार के साथ घटी एक घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक हादसे में मिथुन के भाई की मौत हो गई, जिसके बाद से ही वो नक्सल विचारधारा पर सवाल उठाने लग गए। उन्होंने उस विचारधारा को मानने से इनकार कर दिया जिसमें हिंसा और हथियार के दम पर एक आदर्श समाज की स्थापना और विकास की बात की जाए। इसके बाद मिथुन ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर अपना रुख कर लिया। मिथुन बंगाल से मुंबई आ गए। एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन ने बताया था कि उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनका नाम मुंबई पहुंच चुका था। दरअसल मिथुन के चारू मजुमदार के साथ करीबी रिश्ते थे और चारू मजुमदार देश में नक्सलवाद आंदोलन के असल जनक थे। आज भी नक्सलवादी उनसे ही प्रेरणा लेते हैं। मिथुन जहां भी गए उन पर नक्सली होने का ठप्पा लगा रहा। मिथुन के नक्सलवाद से जुड़े होने की वजह से फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने साल 1980 में उन्हें फिल्म द नक्सलाइट्स ऑफर की, जिसमें मिथुन ने अभिनय भी किया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बना ली। वो एक बेहतरीन डांसर भी थे। फैंस और पूरी दुनिया उन्हें आज भी डिस्को डांसर बुलाते हैं। मिथुन दा ने 1989 से ही मजदूर संघ का नेतृत्व भी संभाला था। मजदूर संघ के जरिए मिथुन ने जमकर लोगों की मदद की थी। बॉलीवुड के मजदूरों के लिए मिथुन ने एक लंबे समय तक काम किया। 90 के दशक के बाद मिथुन ने एक अलग परंपरा शुरू की थी। कहते हैं कि मिथुन एकमात्र ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म प्रक्रिया से जुड़े कई लोगों को नौकरी पर रखा था। मिथुन के बैनर तले बनने वाले इन फिल्मों के हीरो मिथुन रहते और बाकी की स्टार कास्ट बिल्कुल नहीं होती है। मिथुन चक्रवर्ती के सियासी सफर की बात करें तो जवानी के दिनों में वो लेफ्ट से जुड़े थे। एक वक्त था जब वो पश्चिम बंगाल में खेल मंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता सुभाष चक्रवर्ती के काफी करीबी माने जाते थे। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रहे। अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राजनीतिक करियर का एक नया आगाज कर रहे हैं। डिस्को डांसर मिथुन 7 मार्च यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि एक सफल अभिनेता के तौर पर पहचान बना चुके मिथुन को बंगाल की जनता का कितना प्यार मिलता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारत। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।